बढ़ते हैं आगे। गाजियाबाद में स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विद्या के नाम पर शिक्षा के मंदिर में बड़ा गड़बड़झाला किया जा रहा है। आपको बता दें कि भगवंती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ये बड़ा खेल सामने आया है, जहां पर फर्जी दस्तावेजों से फर्जी स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाया जा रहा है। फर्जी स्टूडेंट्स का सरकार से मकसद स्कॉलरशिप लेना है और डकार जाना है। कैट और मैट जैसी परीक्षा के फर्जी स्कोर कार्ड भी यहां पर तैयार हो रहे हैं। फर्जी स्कोर कार्ड के आधार पर यहां पर एडमिशन दिलाया जाता है और एडमिशन के बाद फर्जी स्कॉलरशिप लिस्ट भी तैयार होती है। आपको बता दें, स्कॉलरशिप का झांसा देकर स्टूडेंट से मोटी रकम भी यहां पर वसूली जाती है और फर्जी टीसी बनाकर सरकार को डाटा भेजा जाता है। और पुलिस ने भगवंती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पर एफआईआर दर्ज कर दी है। आपको बता दें, भगवंती इंस्टीट्यूट के मालिक राकेश सिंगल के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। दोनों बेटे हिमांशु और आयुष के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इंस्टीट्यूट की आड़ में यहां पर फर्जी सर्टिफिकेट्स का कारोबार होता है और भगवंती इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप पर ये बड़ा घोटाला होता है। आपको बता दें, मसूरी पुलिस ने एडमिशन डीन समेत दो लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। उसमें जो कॉलेज में इन्होंने डीन एडमिशन और डिप्टी रजिस्ट्रार नाम उसका मतलब ऑफिशियल पद इसका ये है, और काम ही 67, 68, 406 और 506 क्योंकि वहां नाम क्या है उसका, नाम तो खैर के आधार पर उसका एडमिशन होता है किसी भी कॉलेज में। घर हमने बरामद की है विभिन्न इंटर कॉलेज। गाजियाबाद पुलिस ने एक शिक्षा के नाम पर काला कारोबार करने वाले एक पूरे रैकेट का खुलासा किया है। ये पूरा एक रैकेट भगवती इंस्टीट्यूट से चल रहा था, जो कि मसूरी थाना क्षेत्र में है। ये पूरा रैकेट जो पर्दाफाश किया गया है, एसपी अपर्णा गौतम के नेतृत्व में किया गया है। वो खुद हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था, किस तरीके से उनकी फर्जी जो है मार्कशीट और टीसी बनाई जाती थी और किस तरीके से ये पूरा रैकेट काम करता था। हमें काफ़ी सारी फेक मोहरें मिली वहाँ से, और ये सारी मोहरें थी पूरे प्रदेश के विभिन्न इंटर कॉलेजेस की। तो और फर्जी टीसी के हमें कागजात भी मिले। तो बच्चों का एडमिशन जो किया जाता था, जो फेक एडमिशन किए जाते थे, उसकी पहले फेक टीसी बनाई जाती थी इन मोहरों का इस्तेमाल करके, कागज का इस्तेमाल करके। साथ ही साथ हमें कुछ वर्ड फाइल्स भी मिली हैं, जिन पे कैट और मैट के स्कोर कार्ड स्वयं कॉलेज द्वारा बनाए जाते थे। उसमें नाम चेंज करके, उस फॉर्मेट में नाम चेंज करके, उसमें नंबर्स चेंज करके एक नया ही स्कोर कार्ड बना के पीजीडीएम के एडमिशन्स भी दिखाए जाते थे। हमारा अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, वो ये बात सामने आई है कि ये सब किया जाता या तो स्कॉलरशिप्स लेने के लिए बच्चों की, या फिर ऐसे बच्चे जो एलिजिबल नहीं है एडमिशन की, उनको एडमिशन। ये था पूरा रैकेट जिसका खुलासा हुआ है। मैं बता दूं कि पिछले काफी लंबे अरसे से इस तरीके के रैकेट चलने की जो खबरें थीं और इस तरीके की शिकायतें होती थीं, लेकिन अब जो ये खुलासा हुआ है मसूरी थाने में, उससे साफ हो गया है कि इन जो कॉलेजेस हैं उनकी आड़ में जो स्टूडेंट हैं उनके साथ खेल खेला जा रहा है, और यही नहीं, सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है। सोनू वाहिद के साथ बदीउज़्ज़मा, गाजियाबाद समाचार प्लस।